फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सैनसॉफ्ट स्मार्ट शॉप। मैं हूं आपका होस्ट संदीप ठडवाल और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको JBL के USB माइक्रोफोन के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम इस माइक्रोफोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और प्राइस की बात करेंगे और साथ में मैं आपको इस USB माइक्रोफोन को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है JBL USB माइक्रोफोन, इसका मॉडल नंबर है CSUM10। तो दोस्तों अनबॉक्स करने से पहले इस बॉक्स को सभी साइड से देख लेते हैं। तो बैक साइड से आपको बॉक्स कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरफ आपको बॉक्स के की फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस देखने को मिल जाएंगी, जबकि दूसरी साइड पे आपको प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट और बाकी सब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आइए अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करने पे सबसे पहले आपको ये एक यूज़र मैनुअल और साथ में आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें आपको कस्टमर केयर नंबर और बाकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। इसमें आपको 5% ऑफ का एक कूपन भी मिलता है। तो ये है आपकी एक यूज़र मैनुअल जिसको देख के आप पूरा कैसे इस माइक को यूज़ करते हैं वो आप आराम से कर सकेंगे। कनेक्टिविटी और इसमें बाकी सब फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है, बहुत डिटेल में है। आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं इस माइक को। तो इसको भी हम अब साइड पे रख देते हैं। इस बॉक्स में आपको एक USB केबल मिल जाएगी जिसको यूज़ करके आप इस USB माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है USB केबल। इसके अलावा आपको एक माइक के लिए माउंट मिल जाता है। ये माउंट को यूज़ करके आप किसी भी आर्म के ऊपर इसको माउंट कर सकते हैं। ये एक कनेक्टर है जो कि माइक को माउंट करने के काम में आता है। आइए अब हम इस माइक को निकाल लेते हैं। तो ये है USB माइक्रोफोन जिसको कि हम अब अनबॉक्स कर रहे हैं आपके लिए। तो काफ़ी हैवी ड्यूटी माइक्रोफोन है। तो आपको ये माइक्रोफोन कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये एक कॉम्पैक्ट USB माइक्रोफोन है जिसको यूज़ करके आप अपने YouTube स्टूडियो मैं वॉइस ओवर करने के लिए और अगर आप किसी और भी पर्पस के लिए, रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए आप लेना चाहते हैं इस माइक्रोफोन को, तो आप ले सकते हैं। CSUM10 जो है एक स्टाइलिश डुअल कैप्सूल कंडेंसर माइक्रोफोन है और इसमें आपको ओमनी डायरेक्शनल एंड कार्डियाइड पोलर पैटर्न दोनों मिल जाएंगे। आइए अब इसको इसका जो स्टैंड जो साथ में आया उसमें से निकाल के और कैसे इसको हम आर्म पे फिट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये साइड के स्क्रूज जो हैं इनको निकालना होगा और आपका माइक्रोफोन है जो वो इस स्टैंड से अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे JBL आपको साइड में देखने को मिल जाएगा। बॉडी इसकी जो है वो ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम बेस्ड बॉडी है, काफ़ी हैवी ड्यूटी बॉडी है। साइड पे JBL कमर्शियल लिखा हुआ है। ये एक कमर्शियल माइक्रोफोन है और आपको इसी माइक्रोफोन के ऊपर सारे कंट्रोल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि माइक, हेडफोन, इन दोनों के कंट्रोल्स और आप म्यूट कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है पैटर्न सेट कर सकते हैं। नीचे की साइड पे देखेंगे तो आपको USB केबल कनेक्टर और साथ में हेडफोन कनेक्टर देखने को मिल जाएगा और जो साथ में माइक्रोफोन स्टैंड अडेप्टर आता है उसका आपको वहाँ पे प्लेस मिल जाएगी जिसके ऊपर उसको आपको स्क्रू करना है। ये पैटर्न स्विच है, इसको एक बार प्रेस करने पे कार्डियाइड और एक बार प्रेस करने पे ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो कंट्रोल आप देख रहे हैं ये गेन को कम या ज़्यादा करने के लिए है, और नीचे वाला जो कंट्रोल है वो हेडफोन की मॉनिटरिंग करते हुए अगर आपको माइक की जो आपका हेडफोन है उसकी साउंड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना उसके लिए यूज़ होगा। ये बटन जो है ये म्यूट बटन है, इसको एक बार प्रेस करने पे ये रेड कलर में हो जाएगा। आइए तो अब हम इस माइक्रोफोन स्टैंड अडेप्टर को स्क्रू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटर टू सेंटर आपको इसको स्क्रू करना है, अच्छे से टाइट कर लें। आप देख सकते हैं ऊपर इसका जो माइक्रोफोन का जो मैश है वो काफ़ी बढ़िया है, हाई क्वालिटी जो है मैश यूज़ किया गया है, और ये जो मैश है ये आपकी साउंड कैंसलिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉइस कैंसलेशन जिसे बोलते हैं उसके लिए भी ये मैश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो USB केबल को कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये USB केबल जो है इस माइक के साथ में आती है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की C-टाइप USB केबल है, और इसके एक साइड पे A-टाइप USB कनेक्टर है और एक साइड पे C-टाइप USB कनेक्टर है। तो C-टाइप USB कनेक्टर जो है वो माइक्रोफोन के बेस में कनेक्ट होगा। आप यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप सामने देख रहे हैं USB कनेक्टर बना हुआ, पोर्ट बना हुआ है। आपको बस यहाँ पे ये C-टाइप जो कनेक्टर है इसको इस एंड को कनेक्ट कर देना इस तरफ, और इसका जो दूसरा एंड है USB केबल का जो दूसरा एंड है उसको आपको अपने लैपटॉप या आपका जो भी आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो आप उसमें डायरेक्टली जो है इंसर्ट कर देंगे, और आपका जो माइक है वो रेडी हो जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल रेडी हो चुका है माइक। अब हम इसको आर्म के ऊपर माउंट करके देखेंगे। ये है माइक्रोफोन को माउंट करने के लिए आर्म, और इसके ऊपर आपको माइक को जो है वो माउंट कर देना है। तो आइए इसको माउंट कर लेते हैं। जब आप इसको माउंट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसको अच्छे से टाइट करना है, अदरवाइज़ अगर माइक नीचे गिर गया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छे से माउंट को टाइट कर लें। जो कनेक्टर आपको दिया गया है माइक्रोफोन को कनेक्ट करने के लिए स्टैंड के साथ में, उसको ज़रूर अच्छे से कनेक्ट कर लें, और उसके बाद में ये USB माइक्रोफोन के लिए जो केबल दी गई है इसकी कनेक्टिविटी जो है वो साथ में कर दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसका USB एक पोर्ट जो है टाइप A पोर्ट उसको आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करें, और उसका जो दूसरा एंड है C टाइप पोर्ट है उसको आप जो है कनेक्टर जो USB कनेक्टर दिया गया है माइक्रोफोन के नीचे उसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ऐसे करने पे आपका माइक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और आप उसके बाद में जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इस कमर्शियल USB माइक्रोफोन को अपने किसी भी रिकॉर्डिंग नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके की फीचर्स हैं डुअल कंडेंसर कैप्सूल्स ऑफरिंग क्लियर एंड नेचुरल साउंड, सेलेक्टेबल पिकअप पैटर्न्स, USB पावर्ड प्लग एंड प्ले माइक्रोफोन, बिल्ट इन हेडफोन एम्पलीफायर, एंड ये आता है रॉबस्ट मेटल बॉडी के साथ में। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसमें USB 2.0 है, और बिट डेप्थ जो है 16/24 है। सैम्पल रेट की अगर बात कर लें तो 44.1 किलोहर्ट्ज़ टू 96 किलोहर्ट्ज़ तक का है। पोलर पैटर्न इसमें ओमनी डायरेक्शनल एंड कार्डियाइड है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 50 हर्ट्ज़ टू 18 किलोहर्ट्ज़ है। दोस्तों इसकी MRP की बात कर लें तो ये 12,000 रुपीज़ इसका MRP है, लेकिन आपको Amazon पे ये 50% डिस्काउंट पे 5,999 रुपीज़ में मिल जाएगा विद फ्री शिपिंग। तो आप इसको Amazon से परचेज कर सकते हैं, परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी टेस्टिंग की मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात की थी कि मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊँगा। तो एट प्रेजेंट जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इसी USB माइक्रोफोन से कर रहा हूँ, और इसका जो मैंने पैटर्न रखा है वो कार्डियाड पैटर्न रखा है, लेकिन अगर मैं इसको ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न पे लेकर आऊँ तो आप देख सकते हैं अभी मैं चेंज करता हूँ। अब ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ये ओमनी डायरेक्शनल मोड पे कर रहा हूँ। इसका जो पोलर पैटर्न है वो ओमनी डायरेक्शनल सेलेक्ट किया है। इसके बाद में मैं दोबारा से इसको कार्डियाइड पैटर्न पे लेकर जाता हूँ और अब जो रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिल रही है वो एक कार्डियाइड पैटर्न पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप दोनों का डिफरेंस जो है वो सुन सकते हैं। दोस्तों ये जो ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न है इसको आप तब यूज़ करेंगे जब आपको कुछ लोगों के ग्रुप में आप बैठे हैं और वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न सेलेक्ट करेंगे और पोलर पैटर्न जो आपका कार्डियाइड पैटर्न है जो कि मैं आप दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, तो ये आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपको खुद रिकॉर्डिंग करनी है सामने बैठ के माइक पे अकेले, तो उस टाइम पे आपको कार्डियाइड पैटर्न जो है वो चूज़ करना है। तो दोस्तों ये था वीडियो JBL USB माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू आप कह लीजिए, और उसकी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके साथ में शेयर करी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के लिए आपको नीचे एक बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लें और उसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें सो दैट मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलूँगा अगले किसी और वीडियो में एक और नए माइक की अनबॉक्सिंग के साथ में। तब तक के लिए अपने होस्ट संदीप ठडवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। Subscribe our YouTube channel Sansoft Smart Shop. For all the new videos, click on the bell icon so you get all the notifications.